आपको ये भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आपके मन का भटकाव थम जाए, समाप्त हो जाए। सच पूछिए तो इसकी आपको जरूरत भी नहीं है। आपको जरूरत केवल इस बात की है कि वह भटके, लेकिन आपके इशारों पर भटके। वह जहाँ भी जाए आपसे पूछ कर जाए, या फिर आप जहाँ उसे भेजना चाहें वहीं जाए। मन के साथ आपका रिश्ता विरोधी और दुश्मनी का ना होकर एक शुभ चिंतक और मित्रता का होना चाहिए। आप जितना अधिक मन को अपने लायक बना सकेंगे, अपनी जिंदगी में आप उतने ही अधिक सफल होंगे और उतना ही बेहतर जीवन जी सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक आदमी था, शमशान घाट में जाकर उसने साधना की और एक भूत उसके कब्जे में आ गया। इस भूत ने अपने मालिक से कहा, मेरे आका, मैं आज से आपका गुलाम हूँ। आप जो भी आदेश करेंगे मैं उसका तुरंत पालन करूँगा। मेरी बस एक ही शर्त है। मेरी शर्त यह है कि मैं एक भी मिनट खाली नहीं बैठूंगा। आप मुझे हर समय किसी न किसी काम में लगाए रखना। यदि आप मुझे काम नहीं बताएंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। उस आदमी ने सोचा कि ये तो कोई मुश्किल शर्त नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि इस भूत को खाली बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। उस आदमी ने भूत की ये शर्त मान ली। उस आदमी ने भूत को आदेश देना शुरू किया। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा महल बनवाओ। पलक झपकते ही भूत ने महल बना दिया। उस आदमी ने आदेश दिया कि महल के किनारे एक खूबसूरत सी झील तैयार करो। देखते ही देखते वह भी हो गया। उस आदमी ने और भी कई चीजों की मांग की। उसने सभी पूरी कर दी। धीरे धीरे उस आदमी के पास से सभी मांगे खत्म होने लगी। इससे वह घबराने लगा कि यदि मैंने इस भूत को काम नहीं बताया तो ये मुझे खा जाएगा। अपनी इस समस्या का समाधान के लिए वह अपने गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये बिल्कुल भी मुश्किल समस्या नहीं है। तुम एक काम करो कि अपने घर में एक आंगन में एक खूंटा गड़ा लो। जब भी भूत के पास काम ना हो तो उसे खूंटे पर चढ़ने उतरने के काम में लगा देना। जब तुम्हें कोई काम याद आए तो उससे करा लेना, और जब वह काम हो जाए तो उसे फिर से खूंटे पर चढ़ने उतरने का काम लगा देना। उस परेशान आदमी ने ऐसा ही किया और वह भूत हमेशा के लिए उस आदमी के कब्जे में आ गया। दोस्तों, ये मन भी इसी तरह का एक भूत है। जब तक आप इसे किसी काम में लगाए रखिएगा, जब तक ये आपका काम कर करके आपको पैसे वाला और आपको मान सम्मान दिलाता रहेगा, जैसे ही आप इसे खाली बैठा देंगे वैसे ही आपको खाने को दौड़ेगा। यही है मन पर नियंत्रण रखना। इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगी। अपनी जिंदगी के लिए कोई एक लंबी योजना बनाएं, जैसे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है आदि आदि। आप ये भी योजना बना सकते हैं कि इस बार परीक्षा में मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें।